फैसले पर अमल दरामद के मामले पर नई पेशरफ सामने आई है। दो मेंबरान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी गई है। बात करेंगे, फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, बताइएगा क्या कुछ हुआ है आज इजलास में? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का आज सातवां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया है। जराए के मुताबिक एक और इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी है। मुनकसिम राय है इलेक्शन कमीशन की और दोनों मेंबरान ने कानूनी टीम की तजावीज से अदम इत्तफाक किया है। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल फिर इस मामले पर मुशावरत करेगा और दो जो मेंबरान हैं उन्होंने कहा है कि तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है और फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी दरख्वास्त दायर होने का इंतजार किया जाए। ठीक है, फहद शॉर्टली बता दीजिएगा कल भी इजलास होगा? जी बिल्कुल, कल दोबारा इजलास होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत और कोशिश इलेक्शन कमीशन की ये है कि इस पर कोई मुत्तफिका फैसला किया जाए, लेकिन जाहिर है कि अब तक ये सामने आया है कि दो मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन के। ठीक है फहद, इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ के मारना और गाली देना आसान है, कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम किया हुआ है। हम गाली की सियासत नहीं करते। वजीरा